हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम की सब्जी। उसके लिए हमने मशरूम अच्छे तरह से वॉश कर लिया है। उसके बाद अब हम पानी गर्म करके भी वॉश कर लेंगे अच्छी तरह से, कि मशरूम बिल्कुल तरह से साफ हो जाए। उसके अब हमने लिए दो टमाटर और प्याज, लहसुन, मिर्च, इनको कट करके हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, मैं टमाटर प्याज का भी पेस्ट बना लिया है। मशरूम जो मैंने गर्म होने के पानी में रखी थी उनको भी अच्छे निकाल लूँगी वॉश करके। ये देखिए, मशरूम मेरी कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। अब उनके मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब मैं ऑयल डालूँगी, उसमें आधा चम्मच जीरा। अब जीरा को मैं भूनूंगी। देखिए, मैं जीरा भून चुका है। मैं ऐड करूंगी पेस्ट जो हमने प्याज का बनाया था, उसको ऐड कर दूंगी। अब लिए मैंने मसाले, इसमें मैंने हल्दी, धनिया और गरम मसाला और चिली पनीर मसाला भी मैंने डाला। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको हमने पेस्ट बना लिया है। अब पेस्ट को हम ये जो अपना पेस्ट बनाकर मैं उसी कढ़ाई में ऐड कर दूंगी कुछ इस तरह से। अब मैं मसाले को भी अच्छी तरह से पकाऊंगी, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिलाकर। अब इसको हम पका लेंगे जब तक ऑयल उसमें अलग ना दिखने लग जाए ऊपर। तब तक हमें अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पका होना चाहिए, तभी सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए, मेरा मसाला पक रहा है। उसमें मैंने अब ऐड कर दिया है जो मैंने टमाटर ग्राइंड किए हुए थे, उनको भी ऐड कर दिया है। अब मैं तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि हमारा मटेरियल ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार हो जाए। मेरा मटेरियल पक चुका है। अब हमने ऐड कर दिया है मशरूम। ये देखिए, मशरूम इस तरह से, मशरूम को भी मैं उसमें अच्छी तरह से मिला दूँगी ताकि मसाला मशरूम में अच्छी तरह से मिल जाए। ये देखिए, अच्छी तरह से मिल चुका है। अब मैं उसमें ऐड करूँगी नमक, अपना स्वाद अनुसार डाल लें। और मैंने उसमें कुछ पानी थोड़ा सा डाल के मैं उसको अच्छी तरह से पकाऊँगी। ये देखिए, मेरी सब्जी पक चुकी है और अच्छी तरह बन के बहुत ही अच्छी सब्जी मेरी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरा।